ये भी काफी बड़ी है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर योगा करने के लिए या बुक रीडिंग करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आज मैं आपको रावेर का एक प्रीमियम 3 BHK दिखाने जा रही हूँ। इस फ्लैट में आपको मिलने वाला है वीडियो डोर फोन, तो चलिए फिर हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। जैसे ही हम फ्लैट के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमें एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है। चाहे तो आप इस तरह से यहाँ पर शू रैंप डिजाइन कर सकते हैं और इस लॉबी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये है इस फ्लैट का लिविंग रूम और यहाँ पर आराम से 5-6 लोग एक साथ बैठकर टीवी एंजॉय कर सकते हैं। प्लस लिविंग रूम के साथ में ही आ जाती है अटैच बालकनी, तो चलिए हम चलते हैं बालकनी की तरफ। यहाँ पर आ जाती है इसके बालकनी, ये बालकनी कवर्ड रहने वाली है। आपको यहाँ से बहुत अच्छा व्यू भी मिलने वाला है बिकॉज ये एक हाई राइज बिल्डिंग रहने वाली है। तो फिर चलिए अब हम चलते हैं गेस्ट बेडरूम की तरफ। ये है इसका गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम में काफी डिस्टेंस आ जाता है, तो इसीलिए आपके गेस्ट की भी और आपकी भी प्राइवेसी बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है इस तरह से बेड लगाने के लिए। प्लस यहाँ पर आपको विंडो में इस तरह से सिटिंग के लिए भी स्पेस मिल जाती है, तो आपके गेस्ट यहाँ पर बैठकर भी बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। प्लस गेस्ट बेडरूम में आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम, तो गेस्ट को कॉमन वॉशरूम भी यूज करने की जरूरत नहीं है। प्लस इसके जो फिटिंग्स हैं सारे के सारे प्रीमियम हैं, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। किचन के ऑपोजिट में हमें जगह मिल जाती है डाइनिंग टेबल लगाने के लिए, तो यहाँ पर आराम से 6 से 8 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। और इसी के साथ में आ जाती है किचन। किचन में आपको मिलने वाला है एल शेप का प्लेटफॉर्म और साथ में ही जगह मिल जाती है फ्रिज लगाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म काफी नहीं है, तो आप इस तरह से यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म बनवा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के एडिशनल चार्जेस रहने वाले हैं। प्लस इसके साथ आपको यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर भी मिलता है और साथ में ही आ जाती है ड्राई बालकनी। ये ड्राई बालकनी काफी स्पेशियस है, तो आप अपने कपड़ों का स्टैंड ऊपर ही लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन तो लगा ही सकते हैं, प्लस अपना डिश वॉशर भी रख सकते हैं, तो आप इसे एक बार देखते हुए आ जाइए। और डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट में भी आपको मिल जाती है इस तरह से विंडो, तो आपको यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। यहाँ पर आ जाता है इसका कॉमन वॉश बेसिन। इसका प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है, तो इसीलिए हमें ज्यादा जगह मिल जाती है नीचे स्टोरेज बनाने के लिए। और साथ में ही आ जाता है इसका कॉमन वॉशरूम। इसके फिटिंग्स भी बहुत प्रीमियम है, प्लस यहाँ का जो टेक्सचर के टाइल्स यूज किए गए हैं वो काफी यूनिक है, जो स्टैंड आउट करते हैं, तो आप इसे एक बार देख लीजिए।
तो ये है इस फ्लैट का किड्स बेडरूम और यहाँ पर भी हमें जगह मिल जाती है इस तरह से प्यारा सा सिटिंग अरेंज करने के लिए। और यहाँ पर चाहे तो आप अपने बच्चों का स्टडी टेबल लगा सकते हैं, प्लस और यहाँ पर इस तरह से आप चाहे तो कवर डिजाइन कर सकते हैं। ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम और जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ पर आ जाता है मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम। इसके भी फिटिंग्स बहुत ज्यादा प्रीमियम है तो आप इसे एक बार देखते हुए इधर आ जाइए। और यहाँ पर आप लगा सकते हैं इस तरह से बेड, प्लस आपको मास्टर बेडरूम में बालकनी भी मिल जाती है। तो ये जो मास्टर बेडरूम से अटैच बालकनी है ये भी काफी बड़ी है तो इसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर योगा करने के लिए या बुक रीडिंग करने के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से यहाँ पर प्यारा सा सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK और 6 BHK के कारपेट एरिया के फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। जो मिनिमम कारपेट एरिया इस प्रोजेक्ट में शुरू होता है वो है 755 स्क्वायर फीट और लास्ट कारपेट एरिया जो जाता है वो है 2220 स्क्वायर फीट। तो आपको यहाँ पर कारपेट एरिया के बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें एमिनिटीज की तो इस प्रोजेक्ट में आपको 70 प्लस एमिनिटीज मिलने वाली हैं। आपको यहाँ पर पोडियम लेवल पर एमिनिटीज मिलेंगी, 12th फ्लोर पर आपको एमिनिटीज मिलेंगी, प्लस आपको टॉप फ्लोर पर भी यहाँ पर एमिनिटीज मिलने वाली है। जैसे कि इसमें आने वाला है इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, कार वॉश एरिया, किड्स प्ले एरिया, लैंडस्केप गार्डन, पार्टी लॉन, लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ है यहाँ पर एमिनिटीज में देखने के लिए। और इस फ्लैट में आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की फॉल सीलिंग चाहिए, प्लस आप लिविंग रूम अपना कंट्रोल कर पाएंगे एलेक्सा से, बिकॉज यहाँ के लाइट और फैन एलेक्सा इनेबल रहने वाले हैं। और आपको साथ में इस फ्लैट में एयर प्यूरिफायर भी मिलेगा और वाटर प्यूरिफायर भी मिलेगा। और एक बिल्डिंग में जो फ्लोर से रहने वाले हैं वो है 40 फ्लोर, तो आपको फ्लैट से बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है। और इस प्रोजेक्ट का पोजीशन है दिसंबर 24 में। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है आउंद, बानेर, वाकड़, हिंजवाड़ी से। अगर हम बात करें फैसिलिटीज की तो आपको 5 से 10 मिनट की दूरी पर बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती है जिसमें आते हैं स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और बहुत सारी ग्रोसरी शॉप। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट या आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।